पूर्व मंत्री सर डुमराव के पूर्व विधायक दद्दन यादव उर्फ दद्दन पहलवान ने कहा कि जिला कोर्ट द्वारा 2 साल की सुनाई गई सजा को लेकर वे हाईकोर्ट में जल्द ही अपील करेंगे। जिला कोर्ट के समक्ष सुलहनामा डाले जाने के बाद भी कोर्ट द्वारा 2 वर्ष की सुनाई गई सजा उनके समझ से परे है। पूर्व मंत्री ने कहा कि वे न्यायालय व न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र व संविधान के प्रति उनकी आस्था है। उक्त बातें पूर्व मंत्री दद्दन पहलवान ने जिला न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाने के बाद पहली बार डुमराव स्थित अपने आवास पर स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के दरमियान कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों द्वारा राजनीति से संन्यास लिए जाने की अफवाहें फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार वे चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि लोकसभा व विधानसभा के चुनाव काल में पैसा लेकर टिकट बेचने वालों को सबक सिखाना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र व संविधान की मर्यादा को बचाने के लिए पूरे देश व प्रदेश में जागरूकता अभियान की शुरुआत करूंगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता देवता के समान है। इस मौके पर पूर्व मंत्री पुत्र करतार सिंह, बीएन सिंह यादव, पारस सिंह यादव, अखिलेश कुमार, राजा यादव, विजय कुमार सिंह, मनोज सिंह यादव, शिवजी यादव, वीर बहादुर सिंह एवं लक्ष्मण प्रसाद आदि मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि गत दिनों बक्सर के अपर जिला सह एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश द्वारा एक मुकदमे में सुनवाई के बाद पूर्व मंत्री सह डुमराव के पूर्व विधायक दद्दन पहलवान को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। राजद कार्यकर्ता रामजी सिंह यादव द्वारा पूर्व मंत्री सह डुमराव के पूर्व विधायक दद्दन यादव उर्फ दद्दन पहलवान के खिलाफ मारपीट के आरोप में अक्टूबर 2005 में एक मुकदमा दायर किया गया था। करीब 17 साल बाद कोर्ट द्वारा सुनवाई के बाद दद्दन पहलवान के विरुद्ध संबंधित एमपी एमएलए जिला कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है। डालने के बाद ये हमारे देखने से या सब लोग को देखने से उचित नहीं, मगर कोई बात नहीं, हम लोग अपना कोर्ट के आदर करते हैं, कोर्ट के सम्मान करते हैं। इस पर अपना हाई कोर्ट में भी फाइल कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि कोर्ट में सुलहनामा नहीं पड़ा था, ये गलत अफवाह है। लिखा हुआ चीज है ना, तो आपको सर्टिफाई कॉपी पर दे देंगे। तो ये जो जिस तरीके की जो अफवाह फैलाई जा रही है सत्रह और लोगों के बीच में कि आप चुनाव जो है कि नहीं लड़ सकते हैं, सजा हो गई, या जिस अलग अलग तरीकों से आप हमारे जुम्मन चीजें नहीं, हम मान लीजिए कि हम चुनाव नहीं लड़ा तो देंगे, हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ा रहे हैं। सच्चाई कितना है, क्योंकि आप लड़ा देंगे, आप पूरे भारत में चुनाव लड़ा देंगे, ये सच्चाई कितनी है? ये देखिए, ये सच्चाई जो आपका कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़े, चुनाव की जो प्रक्रिया है 2 साल से बेसी जब होता है सजा, तो उसके हमारा 2 साल की सजा है। 2 साल की सजा में चुनाव लड़ सकता है आदमी, 3 साल की वो बंधन है कि 3 साल से ऊपर जब भी सजा हो जाए तो चुनाव नहीं लड़ सकता। क्योंकि कुछ कानूनविदों से भी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इसमें वो चुनाव लड़ सकते हैं और ये अफवाह गलत है कि वो चुनाव नहीं। नहीं, अफवाह देखिए, यहाँ अफवाह फैलाने वाला ज़्यादा होता है, अफवाह के फेरा में हम रहते नहीं, और ना हमें कभी भी, आप लोग भी नहीं देखे होंगे कि कभी किसी प्रकार का हमको चिंता है, कोई प्रकार का चिंता नहीं। हम जब तक जिंदा रहेंगे और एमपी एमएलए मंत्री से बेसी ही काम करने की हमारी क्षमता है, और जो भी बिहार के अधिकारी है जिसकी वो अच्छा सोच है, जो संस्कारी है, वो पूरे देश के अधिकारी हमारा बात मानता है। हम ही नहीं है कि हम बिहारी के काम करते हैं, हम हरियाणा में भी काम करते हैं, हम पंजाब में भी काम करते हैं, हमारा दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह हमारा लोग है जो दद्दन पहलवान के नाम से जानता है। सारी चीज़ हम समझिए कि करने का हमारी क्षमता है, हम करते हैं। हमारा जो आदमी है, हम जो संकल्प लिए हैं कि जो हमको हमारे लिए जो करता है उसके लिए हम प्राण भी गंवाने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमारा आदमी जो है हमको छोड़ता नहीं है, और जो अब की बार चुनाव में जो लोग छोड़े हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।